लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बॉयफ्रेंड के साथ में आर्ग्यूमेंट हो गई। प्यार में अक्सर ऐसा होता है। मैं अपने जेंडर से कभी गद्दारी नहीं करूंगी। है कौन है? दीदी हमें और अटेंशन नहीं चाहिए, फिर और मुसीबत है। मुफ्तियों से कहा जा रहा है कि बानू के खिलाफ फतवा निकाल दिया जाए। पता है मैं हमेशा सोचता था तुझे ना किस टाइप का लड़का पसंद है। अजी तेरे साथ कुछ तो चल रहा है, दिस इज नॉट लाइक यू। Listen, you wanna fuck him? Go ahead, it's cool. Ahira ko piche mat la. Okay? So I can't believe you just said that. I can't believe how full of shit you are. Fantastic guys, this was fabulous. पहले आज का अखबार पढ़ लो। पता है दीदी, डरो मत, carry on fearlessly. नहीं, actually अम्मी चाहती हैं कि हम थोड़ा ध्यान से रहें, थोड़े दिन concerts और interviews ना करें, बाकी सब कर सकती हो, मेक म्यूजिक, जैम, लेकिन सिर्फ यहीं पर कैदियों की तरह। अजी यू सेड यू विल कॉल बैक। आई विल। व्हेन? जब मुझे याद आएगा कि हम दोस्त क्यों हैं। एक फोन कॉल है, तुम्हारे अंकल इतने सीनियर रॉ ऑफिसर हैं, उन्हें एक फाइल खोलनी पड़ेगी। अजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। क्यों? मोहम्मद अल्ताफ, चूतिया, मर्डरर, बाहरा, फतवा, यू डेड, रिंग बेल। रघु है मेरे साथ और वो काफी एक्सपीरियंस है। हाँ, बहुत एक्सपीरियंस्ड है। वो अपनी फिल्म के लिए कुछ भी करेगा, तेरे लिए नहीं। एंड जस्ट बिकॉज ही कॉल्स यू मिर्जा डजंट मीन ही इज मी। फक You're such a fucking brat, yeah, Mirza. मैं जब भी तेरे किसी चूते प्लान को ना बोलता हूँ तुम दादा जान के पास भाग जाती हो। Pull your fucking smoked up head out of your ass. This is not about you. ये documentary तुम्हारे, मेरे और रघु के बारे में नहीं है। हाँ, this is about Kashmir, right? Asi, you are. Oh, मैं. You know, रघु मुझे तुमसे ज़्यादा समझता है and it's sad. हाँ, क्योंकि मैं तो loser हूँ ना, तुम्हारा जमादार हूँ, just to clean up your shit. Fuck you, Azi. Shh. Dada Jan andar hai. And fuck you too. Hi, Dada Jan. Can I come in? अरे हाँ बेटा, आइए ना. Rockstars.
क्या हुआ भाई, कोई मर गया क्या? प्लीज टेल मी इट्स दैट रघु. नहीं ताबिश, फारा की कजन ने हमें इनवाइट किया है दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में परफॉर्म करने के लिए, और वहाँ इतने इम्पोर्टेंट लोग भी होंगे. हाँ तो ये अच्छी न्यूज़ है. पर जन्नत दीदी हमें कभी नहीं जाने देगी. अरे पर अब तो कोई फतवा ऐलान थोड़ी ना हुआ है. पर अम्मी और जन्नत दीदी की परमिशन के बिना हम कैसे जाएंगे? लिसन, यू वांट टू गो? यू वांट टू गो? देन यू गोइंग. सिंपल. आप जन्नत दीदी से सिफारिश करेंगे? अरे तुम्हारी जन्नत दीदी आजकल बहुत बिजी है. आई डोंट थिंक शी विल इवन नोटिस कि कोई है, कहाँ है, जिंदा भी है या क्या. कुछ नहीं, डोंट वरी. आज से मैं तुम लोगों का नया मैनेजर. तुम्हारे इंटरव्यूज, दिल्ली का कॉन्सर्ट, एनीथिंग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. कूल? कूल. बट नॉट अ वर्ड टू एनीवन, स्पेशली दैट जन्नत. चलो सी यू गाइस. थैंक यू ताबिश. ओके बाय रा. Can I help? जी नहीं, शुक्रिया. अब्बू अब्बू, डॉक्टर मैं दीदी हमारे साथ घर चल सकती है? नहीं आलिया, बहुत देर हो चुकी है. डॉक्टर मिर्जा को और भी काम होंगे, और भी लोगों से मिलना होगा. ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर. Well, it's none of my business. डॉक्टर मैं दीदी, आप मेरा डॉल हाउस देखेंगे? Only 2 minutes. ओ आलिया, मैं आपका डॉल हाउस जरूर देखूंगी. Only 2 minutes. Only 2 minutes. Okay. सो गई? Yeah. Don't know. It's a miracle. Thanks for your help. Although उसके लिए आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी. आलिया के वो 2 मिनट्स को इनकार करना बिल्कुल नामुमकिन है जी. ताज्जुब बस ये है कि आप यहां आने के लिए राजी हो गई. क्या वो भी आलिया के लिए था? और किसके लिए होगा डॉक्टर रिजवी? आपके पास भी डॉल हाउस है? इतनी डांट खाने के बाद भी जो इंटर्न खुशी के साथ अपने खड़ूस बॉस के घर आने के लिए राजी हो जाए, आप ही बताएं मैं उसका क्या मतलब निकालूं? कि आप अपने खाली वक्त में अपने इंटर्न के बारे में ना सोचकर शायद कुछ हॉबीज पाल लें, लाइक मे बी हाउ टू मेक फ्रेंड्स. मैं झूठे और पार्ट टाइम रिश्तों में बिलीव नहीं करता हूं. नाउ इफ यू विल एक्सक्यूज मी, काफी लेट हो गया. मेहर, डॉक्टर मेहर, आप डिनर खा के जाना चाहेंगे? जी नहीं, मैं घर जाना चाहूंगी. ठीक है, मेरी गाड़ी आपको ड्रॉप कर देगी. उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी. हाँ लेकिन उसके लिए आईडी प्रूफ की जरूरत होगी. आप उसकी फिक्र ना करें. डोंट वरी, आज मेरा ड्राइवर आपका शौहर बन जाएगा. मेरी शॉल. Now keep calm and absolutely quiet. I'll try. Mirza,
ये लोग स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड औरतों से नफरत करते हैं, आई नो। दीपिका, रघुविंदर थापर जी, ये पहने और पीछे बैठ जाए। तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें तालीम नहीं दिलवाई जी? अब इंटरव्यू क्या करना चाहेंगे? शुरू कीजिए। जी मैम, अपना कैमरा ऑन करना चाहूंगा। कीजिए। आप ये बैंड जश्न के खिलाफ फतवा क्यों जारी करना चाहते हैं? मौसकी गुनाह है और ये लड़कियां अपना मजहब भूलकर मगरबी तहजीब के पीछे भाग रही हैं, जो हमें कतई पसंद नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि मुफ्तियों को ये कह के आप इन लड़कियों के आर्ट को ही नहीं बल्कि इनकी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं? सही है, और इस तौहीन का यही अंजाम होना चाहिए, और इंशाल्लाह होगा भी, क्योंकि उनके खात्मे का हम ही नाम देंगे। अगर ये गुस्ताख लड़कियां जिंदा रहना चाहती हैं तो इन्हें पूरी कौम से माफी मांगनी होगी, या फिर खुदा के पास जाके माफी मांगनी होगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे कौन से खुदा, कौन सा मजहब? मेरे मजहब में मौसिकी नहीं, खून राइजी और कत्ल गुनाह है। किसी और के हाथ में खंजर देकर अपनी मर्दानगी को बढ़ावा देना गुनाह है। इन बच्चियों के दिलों में आपसे ज्यादा मोहब्बत और खुदा है। तुम्हारा ईमान नफरत है मोहम्मद अल्ताफ। लगता है मुझे एक बार तुम्हारे अब्बू से मिलना होगा। जरूर, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पर उससे पहले अपने चूहे के बिल से बाहर निकलना पड़ेगा। क्यों? इस औजार के बिना मर्दानगी कम पड़ रही थी। मिर्ज़ा, तुम कुछ नहीं कहोगी। ये शराब पिया। हम बस गाड़ी की तरफ चलते हैं, इंटरव्यू खत्म करते हैं। एक मिनट, अपने कैमरे का चिप निकाल कर मुझे दो। नो रघु, डोंट रघु, डोंट, प्लीज कीप क्वाइट रघु। इसका ईमान इसकी गोलियों की तरह खोखला है। जब नो रघु, डोंट, ही इज ब्लफिंग एज वी बी डेड बाय नाउ। जन्नत, जन्नत! You stupid! What did you do? You really gave it to him. I can't believe it. मैं उसे उकसा रही थी ताकि उसका सच सबके सामने आ जाए. And now we have nothing. I almost died for nothing. Camera off था. Sound नहीं. So you're saying we got everything, including your ridiculous argument with a fucking psychopath. तुम एक जानवर के साथ धर्म कर्म की बातें कर रही थी, मजहब की बातें कर रही थी। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता, यू थिंक दिस गाइस आर फकिंग ब्लफिंग?
इनविटेशन हम फॉर्मली एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके? ओके। Want to come inside? Well, I don't know. आज एक बंदूक तो देख चुकी हूँ. Yes. Is that a no? I think that's a yes. Raghu!